बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मराकश में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने वहां पर मौजूद तमाम लोगों को हिलाकर रख दिया। अल्लाह की कुदरत की निशानी देकर लोग अश अश कर उठे। उनकी जबान पर अल्लाह की हमदो सना जारी हो गई। अल्लाह ताला फरमाता है, ए इंसान, तुझ पर वो घड़ी भी आने वाली है जब सांस गले में अटक जाएगी और कहा जाएगा कोई झाड़ फूंक वाला लाओ। उस वक्त पिंडली पे पिंडली चढ़ जाएगी, आंखें ऊपर की जानब खुली होंगी। लोग चंद दिन याद रखेंगे, फिर भूल जाएंगे, यहां तक के नामो निशान भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक नौजवान इतना बदकार था कि बस्ती वालों ने उसे अपनी बस्ती से निकाल दिया। जब उस नौजवान की मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपनी दाएं बाएं देखा, उसे ना ही कोई रिश्तेदार और ना ही कोई दोस्त नजर आया। उसका गला खुश्क हो गया, मौत के आसार नजर आने लगे तो आसमान की तरफ नजरें उठाकर कहने लगा, मैं तेरे बंदों में से एक बंदा हूं, ये सल्तनत तेरी है और तू सारी दुनिया का बादशाह है। अगर मुझे पता होता कि मुझे अजाब देने से तेरी सल्तनत में इजाफा होगा और मुझे माफ करने से तेरी सल्तनत में कमी होगी तो मैं तुझसे कभी भी माफी का सवाल न करता। तेरे सवा कोई नहीं जिससे मैं बख्शिश की उम्मीद रखूं, बेशक तू बख्शने और रहम करने वाला है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ मेरे फलां बंदे का जनाजा पढ़ो और जो कोई उसका जनाजा पढ़ेगा मैं उसको बख्श दूंगा। अब शहर के तमाम लोग बागे बागे जनाजा पढ़ने के लिए आए ताकि हमारी बख्शिश हो जाए। जब लोगों ने उसे पहचान लिया तो कहने लगे, ए मूसा, ये तो वही फासिक है जिसे हमने बस्ती से निकाला था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज की, या अल्लाह, ये क्या मामला है? अल्लाह ने कहा, ये लोग ठीक कहते हैं, ए मूसा, क्या मुझे अच्छा लगता मैं इसकी दुआ को रद्द कर देता। इसने कहा, ए अल्लाह, तू मेरी आखिरी उम्मीद है, इसने मेरे सामने इस तरह गिरिया जारी की। मुझे अपनी इज्जत की कसम, अगर ये रूह जमीन के तमाम गुनाहगारों के लिए मुझसे बख्शिश का सवाल करता तो मैं उन्हें बख्श देता। ख्वातीनों हज़रात, वीडियो देखने से पहले आपको बता दूं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किए वो मेरी रहमत से नामीद ना हूं, बेशक मैं सारे गुनाहों को बख्श देता हूं। ख्वातीनों हज़रात, ये वीडियो अपनी आंखों से देखें। अगर आप लोगों को इस बात पर ईमान है अल्लाह हर चीज पर कादर है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। الذي اشتكت به السكرات سكرات رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل عليه بناته فاطمة بنات أشهد أن لا إله إلا الله 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 Thank you.